हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जॉब अपडेट है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। पोस्ट उन्होंने निकाली है इंजीनियर ट्रेनिंग की। सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू गेट है। सैलरी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी है, 13 लाख CTC है। तो ये कंपनी NHAI की ज्वाइंट वेंचर है, जिसका नाम है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि एस्टैब्लिश्ड है कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंदर। तो ये आज का आप सर्कुलर देख सकते हैं, जो इनके रजिस्टर्ड ऑफिस NHAI ओल्ड बिल्डिंग द्वारका से पब्लिश हुआ है। 2 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। जो इन्होंने इंजीनियर की पोस्ट निकाली है वो ईवन ग्रेड पर निकाली है। 40,000 से 1,40,000 पे स्केल है। जनरल की वैकेंसी आप देख सकते हैं 14 है, SC ST 4-2, 8 OBC NCL की और 2 EWS की है। तो टोटल पोस्ट आप इसमें अगर आप मिला दें इंजीनियर और फाइनेंस वालों की, तो 31 पोस्ट निकल के आती है। जहाँ तक स्टार्टिंग डेट की हम बात करें, तो 2 जुलाई से 10 बजे से आप देख सकते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन चालू होने वाली है, और लास्ट डेट जो है वो 16 अगस्त 2024 रखी गई है 3 बजे तक। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट की, वो गेट की बेसिस पे हो रहा है। गेट 22, 23 एंड 24 की रिक्रूटमेंट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स एंड डीए इंजीनियर्स। गेट के पेपर कोड भी दिए हुए हैं CS, EC, EE एंड DA। तो ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं। कोई भी इसमें मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। सो आई थिंक जो भी केवल पास किए हुए हैं बैचलर्स डिग्री, वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, अंडर द कंडीशन कि उन्होंने गेट क्वालिफाई किया हो और मेरिट में हाई हो, तो ही उनको कॉल आएगी। इंटरव्यू के बारे में इसमें नहीं बताया गया है, बट लिखा गया है कि इंटरव्यू एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी वो ले सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन जो OBC, SC, ST एंड PWD के लिए हैं वो दिए गए हैं, 3, 5 एंड 10 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, आप देख सकते हैं जैसा। बाकी नोट करने वाली पॉइंट है इसमें एक, वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 13, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 3 लाख रुपीज़ का बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। बट ध्यान रखने वाली बात है, जो कोई भी जॉब अपनी स्विच करना चाहता है, तो उन्होंने इसमें क्लियरली लिख दिया है कि कंपनी बॉन्ड का ट्रांसफर एंटरटेन नहीं करती है। 13 नंबर पॉइंट क्लियरली उन्होंने लिखा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।